अधिकारियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। देश की घोटाले की सीबीआई जांच करवाओ, जांच करो, जांच करो। देश की सुरक्षा को सेंध लगाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। 2018 तक अवैध जारी किए गए गन लाइसेंस की सीबीआई जांच करवाओ, जांच करो, जांच करो। 2018 तक जो गन लाइसेंस प्रशासन द्वारा दिए गए हैं, उन गन लाइसेंस के विरोध में आज पैंथर्स पार्टी यहां पर धरना प्रदर्शन कर रही है। हर्ष देव है इस समय यहां पर, इनसे हम बातचीत करेंगे। हर्ष जी, गन लाइसेंस को लेकर आप लोग यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कारण क्या है? देखिए, पिछले कुछ सालों में कई लाख गन लाइसेंसेस जम्मू कश्मीर में इशू किए गए और बहुत सारे ऐसे लोग पकड़े गए राजस्थान में, बिहार में, यूपी में, जो यहाँ से गन लाइसेंसेस बना के गए थे और फेक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बना के गए थे। पूरे मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ी चर्चा हुई और उसके बाद सीबीआई का गठन हुआ कि किन लोगों ने इनको लाइसेंसेस इशू किए हैं। लेकिन ये प्रोब जो है, ये 2012 और 2016 के बीच में जो गन लाइसेंसेस इशू हुए उन तक ही महदूद रखा जा रहा है। हकीकत ये है कि 2016 के बाद भी लाखों की तादाद में यहाँ गन लाइसेंसेस इशू हुए हैं जिनकी कोई भी इंक्वायरी नहीं की जा रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑफिसर हैं जो सरकार के चहेते हैं, जिन्होंने ये फेक लाइसेंसेस इशू किए हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। और 2017 और 18 में जो लाखों लाइसेंसेस इशू हुए हैं उनका कोई भी प्रोब नहीं किया जा रहा है, जो कि बहुत गलत है और इसका संज्ञान लेना बहुत लाजमी है। इसीलिए हम सीबीआई दफ्तर के बाहर आज अपना विरोध का प्रदर्शन कर रहे हैं और सीबीआई से अपील करना चाहते हैं कि जितने भी गन लाइसेंसेस इशू हैं बग़ैर कायदा कानून को फुलफ़िल किए हुए, फॉर्मेलिटीज़ को फुलफ़िल किए हुए, उनका प्रोब किया जाना चाहिए। 2017 में, 18 में या इसके बाद जो गन लाइसेंस इशू हुए हैं उनको इम्यूनिटी क्यों दी जा रही है? जहाँ भी गलत हुआ है वहाँ प्रोब होना चाहिए। और ओहदा किसी का बड़ा है या कोई बहुत कनेक्टेड आदमी है जिसकी कोई पॉलिटिकल बहुत अप्रोच है, उसकी वजह से किसी को छोड़ दिया जाना सरासर गलत है। आप कह रहे हैं कि अवैध रूप से लाइसेंस जो है वो दिए गए हैं, ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात की अगर ये सही है तो कितना खतरा है? क्योंकि देखिए, अवैध रूप से अगर किसी भी अनजान शख्स को वो लाइसेंस अगर चले गया होगा वो तो कुछ भी कर सकता है। देखिए, ये अवैध जो लाइसेंस, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरे मुल्क में शोर हुआ। एटीएस ने कहा, राजस्थान की जो पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने कहा, फिर एंटी करप्शन ब्यूरो ने ये कहा कि हम भी इसके ऊपर प्रोब कर रहे हैं कि गैर कानूनी तरीके से बहुत सारी जगहों पे छापे भी डाले सीबीआई ने, वो बहुत अच्छा है, उसका हम वेलकम करते हैं। लेकिन 2016 में हम कहते हैं ये क्यों बंद कर दिया गया, उसके बाद का जो लाइसेंसेस दिए गए हैं उनका प्रोब क्यों नहीं हो रहा है? मसला सिर्फ इतना है, बाकी जो प्रोब हो रहा है बहुत अच्छा है और उसमें इन्होंने तस्लीम किया है कि बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा घोटाला है, ये बात पूरे मुल्क में चली गई है और उसी के वजह से सीबीआई की इंक्वायरी इसमें शुरू हुई है। लेकिन 2016 के बाद के लोगों को कंसेशन क्यों दी जा रही है? लेकिन आपको नहीं लगता कि ये सिक्योरिटी थ्रेट है? बिल्कुल, बहुत बड़ा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और उन लोगों की इंक्वायरी ना किया जाना ये बहुत घातक हो सकता है। जो भी लोग गद्दारी जिन्होंने की है, ये हम समझते हैं ये जो स्कैम में इन्वॉल्व है, ये मुल्क के साथ एक गद्दारी उन लोगों ने की है और उनके साथ कोई भी रियायत नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार का जब वाक्य सामने आता है तो आपको नहीं लगता कि प्रशासन इसमें थोड़ा सा ढील दे रहा है? देखिए, बिल्कुल ढील दे रहा है, क्योंकि कोई भी उनके पास कारण नहीं है कि 2016 के बाद गन लाइस आपने क्यों ब्रेक लगा दी कि हम इंक्वायरी जो है वो 2016 तक ही करें। आपने जब रेफर केस किया है सीबीआई को तो तमाम उन लाइसेंसेस की इंक्वायरी कराइए जो गलत तरीके से इशू किए हैं। ये क्या बात हुई कि 2012 और 2016 के बीच में ही आप कराएंगे? वो भी ज़रूरी है, लेकिन जहाँ भी गलत हुआ है, जितने गलत लाइसेंसेस इशू हुए हैं इसमें, वो सारे के सारे लाइसेंसेस का प्रोब किया जाना बहुत लाजमी है देश की सुरक्षा के लिए। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के हालात हैं, कोई भी कंसेशन इस संदर्भ में किसी को नहीं दी जा सकती, चाहे वो कितने ही बड़े ओहदे पे विराजमान क्यों ना। चलिए, तो 2016 तक जो इंक्वायरी करवाई गई थी, हर्षदेव का कहना है कि वो वहाँ तक क्यों सीमित रह गई, 2017, 18, 19 जितने भी उसके बाद गन लाइसेंस इशू हुए हैं सबकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट, कैमरामैन श्याम जी के साथ देव ठाकुर।
जी।